मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाके के बाद हाहाकार मच गया। इस घटना में अब तक एक दर्जन लोगों की मौत हो गई। उधर घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सेना से मदद भी मांगी गई है। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से करीब 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं 200 से ज्यादा घायल अस्पताल लाए गए हैं। इनमें 132 पुरुष और 98 महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के बाद मोहन यादव सरकार एक्टिव हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैठक ली और सचिव को घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जैसे कि हमको सबको जानकारी आई है, हरदा में एक बड़ी दुखद घटना घटी है कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। इसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो गया, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबाग यूनिट पर डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई, जैसे मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को स्पॉट पर रवाना किया, 400 ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह पहले सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल हुआ उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपये प्रति परिवार इसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। जो कि घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति न हो। अब इसने इस घटना के जांच के आदेश भी उन्हें दिए हैं। हमसे पहले इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी आग पर काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना का हम घटना के बाद इस पर जो जो प्रबंधन हो सकता है वो सब प्रबंधन में लगे। घायलों के लिए हरदा से भोपाल के बीच ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया है, जिससे घायलों को भोपाल के हमीदिया और एम्स में इलाज के लिए आसानी से लाया जा सके। हादसे में राहत बचाव कार्य के लिए कमेटी गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष ACS मोहम्मद सुलेमान को बनाया गया है। अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य भी शामिल हैं। इस घटना को PM मोदी ने भी संज्ञान में लिया है। आज मध्य प्रदेश में हरदा के अंदर एक दुखद घटना हुई है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं और कुछ भाई और बहनों की मृत्यु भी इस घटना में हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सब लोग उनके साथ में इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सक्रियता के साथ और संवेदनशीलता के साथ NDRF की टीम से लेकर के वर्न यूनिट, एम्स, बाकी सारे हॉस्पिटल्स में जो व्यवस्थाएं तत्काल प्रभावी की जा सकती हैं, सरकार ने उन सारी व्यवस्थाओं को या आपात बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है। ACS होम, हमारे मंत्री और कई प्रमुख लोगों को टीम मात तत्काल पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से भी हमारे संभाग के प्रभारी और पदाधिकारियों को भी तत्काल उस काम में वहां लगाया है। हरदा में हुए भीषण हादसे के बाद हर कोई स्तब्ध है। घायलों को उपचार देने के लिए आसपास के अस्पतालों में व्यवस्था की जा रही है। ना जाने कितनी जाने इस धधकती आग में झुलस गई। आपको जब ये घटना हुई आप कहाँ के, कैसा क्या माहौल था वो बताइए। तो कितने लोग अब उसके थे? बहुत से लोग चपेट में आए हैं उसके। नहीं सर, नहीं नहीं, इसका कोई पता नहीं। ये रहीम खान जो थे वो कहाँ थे? कड़ोला के वहीं पे आए थे बचाने, उनके परिवार से पटाखे बनाने आए थे।
पटाखा बनाने गए थे, कितने लोग फैक्ट्री में काम करते थे एक बार में? क्या मालूम सर, ये तो वो तो अपने को नहीं मालूम, काफी लोग थे उसमें। ये कब से काम कर रहे थे फैक्ट्री? ये तो 2-3 महीने से ही जाते थे। अच्छा, क्या बताते थे, कितने लोग रहते थे वहाँ अंदर काम करने वाले, क्या क्या बनता था? नहीं ये नहीं बताते अपने, कब से फैक्ट्री चल रही थी कुछ जानकारी? नहीं जी नहीं, मैं तो हरदा से काफी दूर रहता हूँ। आपको चोट आई है? सिर में चोट आई है। ये वहीद खान। हरदा जिले की ये घटना मगरदा रोड पर स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री की है। फैक्ट्री में हुए धमाके से पूरा शहर दहल गया, इलाके के घर भी इस विस्फोट की चपेट में आ गए। हरदा में हुए इस भयावह हादसे में लोगों का दिल दहल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।